हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप कर हत्या करने वाले आरोपितों पर लोगों का जमकर गुस्सा फूट रहा है। लोगों का कहना है कि इन आरोपितों को तुरंत ही फांसी पर लटका दिया जाए। ये चारों आरोपित पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता पड़ा कि इन आरोपितों को किस जेल में रखा गया है, तो जेल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोग प्रदर्शन करने लगे। इन आरोपियों को चंचलगुड़ा जेल में रखा गया है। जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को लगी, तुरंत ही लोग वहां पहुंच गए और प्रदर्शन पर उतारू हो गए। भारी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत का गुस्सा भी फूटा है और इस मामले को लेकर वो पैनल पर बैठे बैठे इमोशनल भी हो गई और कहा कि आखिर ये कब तक चलेगा। इस दौरान रूबिका ने कहा कि मैं रो नहीं रही हूँ, ये मेरे अंदर का गुस्सा है जो बाहर आ रहा है। हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। तेलंगाना में हैदराबाद से एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी कि यहाँ पुलिस को एक जली हुई बॉडी मिली थी जो कि एक महिला की बताई जा रही थी। जानकारी के मुताबिक ये महिला एक वेटरनरी डॉक्टर थी। ये महिला सुबह ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। शाम को लौटते समय इसकी स्कूटी पंक्चर हो गई, लेकिन रात भर घर न आने पर परिजनों ने पुलिस को इस बारे में बताया। तो अगले दिन पुलिस ने जब छानबीन की तो पुलिस को एक महिला की बॉडी मिली जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी। सोशल मीडिया पर भी ये मामला काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड करने लगा था। परिजनों के अनुसार बुधवार को महिला डॉक्टर अपने ऑफिस से वापस लौट रही थी तो शाम करीब 6 बजे टोल प्लाजा के पास उनकी स्कूटी पंक्चर हो गई, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने मदद के लिए अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि उनकी स्कूटी पंक्चर हो गई है। इसके बाद महिला डॉक्टर ने अपनी बहन को फ़ोन किया और उसे इस बात की जानकारी दी। महिला डॉक्टर ने अपनी बहन से कहा कि मुझे डर लग रहा है, जिस पर बहन ने महिला को सलाह देते हुए टोल प्लाजा जाने और कैब से आने को कहा, जिसके बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा कि कुछ लोग उनकी मदद के लिए आए हैं और ये कहकर महिला ने फ़ोन रख दिया। महिला की बहन का कहना है कि उसी के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा था और उसके बाद परिजनों ने शाद नगर टोल प्लाजा के पास महिला की खोजबीन की, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। सुबह शाद नगर के अंडरपास के पास उसकी जली हुई लाश मिली। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपित पुलिस कस्टडी में है और पूरे देश में इन आरोपितों के खिलाफ गहरा आक्रोश है और हर कोई इन्हें फांसी पर चढ़ाने को कह रहा है। इसी के चलते हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल के बाहर लोगों ने प्रदर्शन कर इन आरोपितों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की और प्रदर्शन किया और पुलिस को इस भारी भीड़ को वहां से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।